भीषण गर्मी के बीच राहत का इंतजार करते लोगों को फिलहाल ब्याज दरों की तेजी से भी छुटकारा मिलने के आसार नहीं है। दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 5 से 7 जून के दरमियान होगी, जिसमें एक बार फिर से ब्याज दरों में किसी तरह की कमी ना होने का अनुमान जताया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनमत द्विवेदी, आप देख रहे हैं बिस्तर। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रेपो रेट को पहले की तरह 6.5% पर ही बरकरार रखा जाएगा। इसकी वजह अर्थव्यवस्था में तेजी और खाद वस्तुओं की महंगाई है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि आरबीआई रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। हालांकि महंगाई दर अब आरबीआई के टारगेट में आ गई है, लेकिन जिस तरह से गर्मियों में फल और सब्जी समेत खाने के सामान की महंगाई में इजाफा हो रहा है, उसे देखते हुए आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में कटौती का जोखिम नहीं लेगा। दरअसल अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 4.9% रही, लेकिन आरबीआई का टारगेट इसे 4% तक लाना है। इसके पहले अप्रैल में भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया था। जानकारों के मुताबिक जून में भी आरबीआई ब्याज दरों में कटौती को लेकर अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा। उनका कहना है कि महंगाई भले ही 5% से कम हो गई है, लेकिन खाद्य वस्तुओं के महंगे होने का जोखिम बना हुआ है। लगातार चल रही गर्म हवा से सब्जी के दाम बढ़ने की भी आशंका है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनाव से कच्चे तेल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। इन जोखिमों को देखते हुए आरबीआई प्रमुख उधारी दरों में बदलाव का फैसला करते समय पूरी सावधानी बरतेगा। महंगाई में बढ़ोतरी के जोखिम की पूरी तरह से टल जाने के बाद ही आरबीआई रेपो रेट में कटौती पर फैसला कर सकता है। हमने ये खबर आपकी जानकारी के लिए बनाई है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तर।